हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है, ऐसे में बुंदेलखंड की बड़ा मलेरा की सीट के नजारे बड़ा गजब है। बीते दिनों कमलनाथ की एक सभा में रामसिया भारती के सामने एक यादव चरण सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता क्या ली। भारतीय जनता पार्टी ने भगवा थाने में उसके खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज किया बल्कि 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया कि आरोपी को गिरफ्तार जो करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बस यही अदा भाजपा को परेशान कर गई। आज प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो बीमार हुए, चिराई हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन दूसरी तकलीफ जब खड़ी हो गई, जब यादव बोस ने बड़ा मलेरा में बगावत का ऐलान किया है। दो तस्वीरें बिल्कुल साफ, अगर यादव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, अखंड प्रताप सिंह यादव को वोट नहीं दे रहा है क्योंकि चरण सिंह यादव से जो बगावत उपजी है उससे यादव वोट कांग्रेस के पाले में जा सकता है। वहीं आलोक चतुर्वेदी, पज्जन चतुर्वेदी जो प्रयास कर रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण की वोट भी यहाँ आ जाए, इन तमाम चीज़ों के बीच में अब बिल्कुल साफ तस्वीर, लोधी वोट प्रद्युम्न सिंह लोधी के पक्ष में जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि दो वोट बहुत अहम है, यादव और लोधी वोट। क्या होगी इसकी तस्वीर देखिए इस खबर में। लेकिन एक रेत माफिया चरण सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। यह कौन रेत व्यापारी है चरण सिंह यादव, जिसने बुंदेलखंड की एक सीट पर ऐसा तहलका मचाया कि भाजपा के तो पसीने ही छूट गए। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा के उपचुनाव को लेके, जहां छतरपुर जिले की बड़ा मलेरा से भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी की तकलीफ उस वक्त डबल हो गई जब वो बीमार हो गए, उन्हें चिराई हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। साथ ही रेत माफिया चरण सिंह यादव के कमलनाथ की सभा में कांग्रेस में शामिल होने के बाद भगवा थाने में उनके खिलाफ रेत के अवैध उत्खनन के लिए गिरफ्तारी को लेकर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित हो गया। इस वजह से यादव समाज ने भाजपा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से रामसिया भारती को यादव ब्राह्मण ठाकुर वोट के साथ कुछ हद तक लोधी वोट का भी सहारा मिल रहा है। इस विधानसभा में लोधी और यादव वोट बाहुल्य में है। लोधी वोट इस बार इस वजह से प्रद्युम्न सिंह लोधी को साथ दे रहे हैं कि दूसरी तरफ यादव वोट बसपा के अखंड प्रताप सिंह यादव का साथ न देकर अब चरण सिंह यादव की कार्रवाई को लेके कांग्रेस के साथ अपना रुख कर रहा है। यानी यादव वोट रामसिया भारती के साथ जा रहा है। यादव और लोधी में एक दूसरे में तकरार है जो आमने सामने खड़े होते हैं। अगर यादव वोट कांग्रेस में जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी की हिफाजत करेगा। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और रामसिया भारती में इस तरह अब सीधी टक्कर लग रही है। लोधी वोट भाजपा को जाता दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यादव वोट कर रहा है। वहीं सभी तरह की जातियों के वोट का बंटवारा अभी दोनों दलों में हो रहा है। इस जिले में छतरपुर से विधायक ब्राह्मण कांग्रेस चेहरे आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया और महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित कांग्रेस के ठाकुर और ब्राह्मण वोट को साधने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रामसिया भारती चुनाव में भाजपा से मजबूत देखी जा रही है। असल में रामसिया भारती के पीछे आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया,
अपनी ताकत लगाए बैठे हैं। इस चुनाव में यादव चरण सिंह के कमलनाथ की सभा में कांग्रेस में जाने के और उनके ऊपर 10,000 का पुलिस इनाम घोषित को लेके यादव समाज बगावत पर उतारू हो गई है। और भाजपा के इस अंदरूनी खेल में अकेले चरण सिंह यादव ने ऐसा खेला है कि पूरी सियासत ही बदल गई है। साध्वी रामसिया भारती इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर हावी होती दिख रही हैं। बीमार प्रद्युमन सिंह को बीमारी की सहानुभूति मिल सकती है कि दोनों के बने समीकरण किसी को चुनाव जिता सकते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा मलेरा के दो दमदार वोटर यादव कांग्रेस को तो लोधी भाजपा में अब ज्यादा दिख रहे हैं। कमलेश चंद्रपुरिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बड़ा मलेरा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।